हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग जेट का एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हो रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल में आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वांट के, और कुछ अच्छे सेट्स हमने LRDI के भी सॉल्व करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को विजिट कीजिए तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। Z 2020 के सॉल्यूशंस में आज हम लोग 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा दिमाग वाला है। इसमें भी थोड़ा छोटा आसान तरीका बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है ना, विदाउट ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन नॉर्मली मैं एग्जाम के लिए इसलिए बताता हूँ क्योंकि मान लो सिमिलर क्वेश्चन अगर कैट में आ गया, विदाउट ऑप्शन आ गया, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिना ऑप्शन के इसको कैसे करेंगे। ठीक, और अगर आपको अभी भी कोर्स परचेस करना है तो अभी भी आप लेट नहीं हुए। देखो, जेट की भी जो डेट आएगी, आई थिंक January 1st Sunday ही होगा, है ना, January 2021 में। तो कोर्स अभी भी आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वो आप जाके चेक कर लेना, है ना। और चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ शॉप सेल्स बैग इन 3 sizes, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। लार्ज बैग की कॉस्ट है 1000 rupees, लार्ज कितना है 1000, मीडियम 200 एंड स्मॉल 50 rupees, स्मॉल है 50 rupees। 3 buyers ABC independently buy some numbers of these types of bags. The respective amount of spent by ABC are equal. अच्छा, तीनों ने equal amount खर्च किया है, मतलब A equal to B equal to C. Amount spent by them is equal, है ना? ये mention किया था इन लोगों ने. Put together, the shop sells one large, 15 small and some X, मान लो उसको X medium bags हम बोल देते हैं। What is the minimum number of medium bags that the shop sells to them? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। पिछले साल अगर Z 2020 की बात करें, पहले इस चीज़ को समझ लेना, अगर आप Z 2020 के पहले के पेपर देखोगे, लाइक Z 19, Z 18, Z 17, 16, ये सब Z काफ़ी ईजी आए थे। इनमें क्वांट काफ़ी ईजी थी, आराम से बन रही थी। Z 20 में इन्होंने वापस से अपना फॉर्म वो कवर किया था जो पहले के Z के पेपर आते थे, जो काफ़ी टफ होते थे, है ना। कैट से तो काफ़ी हाई लेवल का जेट होता ही है। ठीक है, तो Z 20 की जो मैथ थी वो एज़ कम्पेयर टू 16, 17, 18, 19 अच्छे लेवल की थी। आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप जेट लेवल की तैयारी करते हो तो आपका कैट, IFT ये सब तो आराम से निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी हमेशा हाई लेवल पे करो। ठीक, और हाँ, सॉल्यूशन के पहले एक चीज़ और बता दूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इतने सारे वीडियोस आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या मतलब है ना। ठीक, अब देखो टोटल अमाउंट कितना स्पेंट हुआ होगा। 1 large मीन्स 1000 rupees, 15 smalls मीन्स 15 5s 75 मीन 750 rupees, और एक्स मीडियम 200 पर बैग मीन्स 200x। ठीक, अगर ABC ने इक्वल टू K मान लो, सबने K अमाउंट स्पेंट किया है, तो ये इक्वल टू होगा 3K के, है ना, क्योंकि इन सबका ओवरऑल समीशन, मतलब ये जो वैल्यू होगी ओवरऑल, ये 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक, तो 3K इज इक्वल टू, पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, 1750 प्लस 200x। अब x की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो x को अगर मैं 1 एज्यूम करूँ तो 3K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1950, है ना। ये कब हुआ, x इज इक्वल टू जब हमने 1 एज्यूम किया, देखो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, जब हमें एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, ये मैं अपने थ्योरी लेक्चर्स में भी काफ़ी बताता हूँ, सिर्फ हमें इस टाइप के क्वेश्चन में पहली वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। अब देखो ऑप्शन में 1 तो था नहीं, तो x 1 हो नहीं सकता, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बोले थे। और वैसे भी अगर लॉजिकली देखो तो ये 600 की लाइन में कुछ आएगा, और अगर एक लार्ज बैग भी किसी ने खरीदा होगा, एक ने तो खरीदा ही होगा, तो वैल्यू तो 1000 के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखा करो, तो x 1 पॉसिबल नहीं था। अब अगली x की वैल्यू मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधे x की वैल्यू 3 से इंक्रीज कर दो, तो x या तो होगा तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7, 10, 13, ये एक सीरीज़ बनेगी, है ना, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 x की इन्हीं वैल्यूज पे होगा। तो ऑप्शन में देखो कितने अच्छे ऑप्शन बनाए, 4 भी है ऑप्शन में, 7 भी है, 10 भी है, मतलब 5 और 9 तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक, 4 पे लॉजिक से चेक करते हैं, तो 4 2 8, 1750 में आप 800 ऐड कर दो तो कितना आएगा,
2550, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 800 की लाइन में समथिंग जाएगा, मतलब 4 भी वैल्यू नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, है ना। अब 7 लेके देखते हैं, तो 7 2 14, इसमें 1400 ऐड कर दो तो 3K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 तो है ही आखिरी में, 3150। देखो ये 1000 से ऊपर आ जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1050, मतलब इंडिविजुअल सबने 1050 स्पेंड किया है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बैग्स कितने होंगे, 7, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो इसको क्रॉस चेक भी करते हैं, खैर आंसर तो आ चुका है, एग्जाम में भी ये लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो अपन ये भी देख लेते हैं कि किसने कितने बैग लिए होंगे, मतलब इसमें एग्जैक्टली ये तो नहीं बता पाएंगे ए ने इतने बी ने इतने, लेकिन अपन एक ब्रेकअप कर लेते हैं। तो 1050 आया है, तो अब ध्यान से देखना, ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट भी समझा करो, यही एग्जाम में आपको अच्छी रैंक दिलवाएंगे, है ना। रटे हुए से तो आप कभी भी ज़्यादा परसेंटाइल तो नहीं ला सकते, है ना, ये मेरी छोटी छोटी सी बातें याद रखना, ये सब एग्जाम में काफ़ी काम आएंगी। कई लोग सोचते हैं उनको बस 4 शॉर्टकट पता चल जाए तो एग्जाम में टॉप कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको आपके बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आप बैठ के घर पे कर रहे थे तो आपको 7 के आगे भी इसको सॉल्व करना चाहिए था कि इसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो 1050 अगर है मतलब एक लार्ज किसी के पास तो होगा, उसने साथ में एक स्मॉल भी लिया होगा, तो किसी ए बी या सी में से किसी के पास एक लार्ज और एक स्मॉल बैग आया होगा, इनका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 1050, है ना, 1000 प्लस 50। अब मीडियम की बात करें, मीडियम हमने कितने अज्यूम किए, 7, ठीक। अब एक लार्ज एक स्मॉल हो गया, मतलब अभी मेरे पास 14 स्मॉल बचे हैं और 7 मीडियम। अब मीडियम का प्राइस क्या, 200, तो 50 का फैक्टर इसमें भी चाहिए ना, कम से कम एक स्मॉल तो दे देंगे इसको। अब 1000 अगर 200 × 5 करूँ तो 5 मीडियम अगर दे दूँ तो 1000 हो गया, और एक स्मॉल दे दूँ तो 50 हो गया, तो 1050 किसी एक का भी आ गया, है ना। तो ब्रेकअप कैसा रहा होगा, किसी एक को एक लार्ज एक स्मॉल, किसी एक को 5 मीडियम एक स्मॉल। अब जो भी रिमेनिंग है, 15 स्मॉल्स में से 2 स्मॉल हो गए, मतलब 13 स्मॉल बचे हैं, 7 मीडियम में से 5 मीडियम हो चुके, 2 मीडियम बचे। अगर 2 मीडियम 13 स्मॉल का टोटल हमारा 1050 आएगा, इसका मतलब हमने सब सही किया है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 400, और इधर 50 का था ना, 13 5 65, 650 का ये, 650 + 400, 1050, मतलब हमने जो भी आंसर लगाया था वो सही लगाया है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन किए जाते हैं, क्रॉस चेक भी किया जाता है। फिर एग्जाम में इतना नहीं करना था, जैसे ही आपका 7 आंसर आ गया था वैसे ही आगे बढ़ जाते, लेकिन घर पे बैठ के जब सॉल्व किया करो तो पूरा कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया करो, और आगे भी इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी एक बार सोच लिया करो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।